हेलो फ्रेंड, क्या आपका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है? अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हो या फिर लैपटॉप चला रहे हो, अगर दोनों में ये प्रॉब्लम आती है कि चलते चलते बंद हो जाता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो घर बैठे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप को आप चेक करना है कि किस वजह से बंद हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है। जैसे कि मेरे ये लैपटॉप में पहले से प्रॉब्लम थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लैपटॉप में पहले से प्रॉब्लम थी, तो जहाँ पे आपका ये फ़ैन होता है ना, यहाँ पे यहाँ से हवा निकलती है फैन से, तो आप जब इसको देखोगे तो ये बहुत, इसको आप ऐसे टच करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉडी ओवर हीट रहेगी। अगर ज़्यादा ओवर हीट हो रही है तो आपको समझ जाना है कि ये ओवर हीट की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो रहा है। तो ओवर हीट अगर होगा आपका कंप्यूटर, तो जो आपके कंप्यूटर में थर्मल पेस्ट लगा रहता है, थर्मल पेस्ट क्या होता है, प्रोसेसर के ऊपर लगा रहता है, जिससे हीट सिंक चिपका रहता है। तो हीट सिंक जब प्रोसेसर से चिपका रहता है, तो वो पूरी प्रोसेसर की हीट खींचता रहता है। कंप्यूटर में जो थर्मल पेस्ट लगा रहता है सीपीयू के ऊपर, वो अगर सूख जाता है तो आपका जो कंप्यूटर की हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है। तो ये डेस्कटॉप में प्रॉब्लम हो सकती है और लैपटॉप में भी, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्मल पेस्ट चेंज कर दो और आपका कंप्यूटर फिर से बंद नहीं होगा। अगर ये ओवर हीट की वजह से हो रहा है तभी ऐसा आपको करना है, अगर किसी और वजह से हो रहा है तब आपको ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना है, अगर आपका कंप्यूटर ओवर हीट नहीं कर रहा फिर भी बंद हो रहा है, तो वो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस रीजन में आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप अपने कंप्यूटर का थर्मल पेस्ट नहीं चेंज कर पाते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को देख के आप अपने कंप्यूटर का थर्मल पेस्ट चेंज कर लोगे आसानी से, और आपके कंप्यूटर के जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।